अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेक्स्ट ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी आईफोन्स की प्रॉब्लम्स किस तरह ठीक कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन एप्पल लोगो पर स्टक हो गया है, या फिर सिर्फ ब्लैक स्क्रीन शो कर रहा है, या फिर वाइट स्क्रीन शो कर रहा है और स्टक हो गया है और कोई भी बटन काम नहीं कर रहा, या फिर आपका फ़ोन रिकवरी मोड, DFU मोड, हेडफोन मोड या कहीं पर भी स्टक हो गया है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़ोन गीक iOS सिस्टम रिकवरी को। इसकी मदद से आप अपनी आईफोन्स की प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ये iPhone 12 और iOS 14 को भी सपोर्ट करता है। फ्री ट्रायल पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इसके दो ऑप्शन हैं, स्टैंडर्ड मोड एंड एडवांस्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड में आप इसकी 20+ प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं और इससे आपका डाटा भी महफूज रहेगा। और एडवांस्ड मोड की मदद से आप इसकी तमाम प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो हम स्टैंडर्ड मोड को ही चूज़ करते हैं और ये मोस्टली प्रॉब्लम्स ठीक कर देता है। और इसके बाद अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो यहाँ से ये आपको फर्मवेयर डाउनलोड करने का बोलेगा। यहाँ से आप लोकेशन चूज कर सकते हैं कि फर्मवेयर डाउनलोड होकर कहाँ पर सेव हो। अगर आपके पास पहले से फर्मवेयर डाउनलोड हुआ पड़ा है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दें तो ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फर्मवेयर पैकेज काफ़ी लार्ज फाइल होती हैं तो इसलिए ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करें। फर्मवेयर फाइल डाउनलोड होने के बाद ये इसको वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई होने के बाद ये इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो अपने फोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट किए रखें और इसके बाद फिक्स नाउ के बटन पर क्लिक कर दें तो ये रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने फ़ोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट किए रखें और इसको तब तक ना उतारें जब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो आप यहां पर देख सकते हैं द प्रोग्राम हैज सक्सेसफुली फिक्स्ड योर डिवाइस। तो आपका आईफोन मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।